गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब आपका चैप्टर 6 है समास। समास किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उसका संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, अब समास पद में क्या होता है कि जब इस प्रक्रिया के द्वारा जो नए शब्द बनते हैं उसको क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद का पहला पद, ठीक है, समस्त पद का पहला पद, जैसे देखो ये है गंगा जल, ठीक है, इसका जो ये पहला पद है ये क्या हो गया, पूर्व पद, पूर्वी होता है पहला, ठीक है। और दूसरा पद कौन सा है इसका, जल, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर पद मीन्स होता है बाद वाला पद, ठीक है, ठीक है। जो पहला वाला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, ठीक है, और जो बाद वाला शब्द होता है जल, जैसे ये जल दे रखा है तो ये हो गया उत्तर पद। उत्तर पद मीन्स बाद वाला पद। और इस पूरे शब्द को क्या बोलते हैं, समस्त पद भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये समस्त पद को पुनः पहले की स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखो गंगा का जल, ठीक है, कि समस्त पद को पुनः, अब समस्त पद कौन सा हो गया, गंगा जल क्या हो गया, समस्त पद हो गया। समस्त पद को पुनः पहले की स्थिति में लाने को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। पहले की स्थिति हो गई गंगा जल, तो ये हो गया समास विग्रह। अब देखो समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं, 6। ये हिंदी में समास के 6 भेद माने जाते हैं। पहला अव्यविभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद समास, 6 है बहुव्रीहि समास। अब है अव्यविभाव समास, जिस समस्त पद का पहला पद, समस्त पद मीन्स ये पूरा पद है जो आपका गंगा जल, ये क्या है, समस्त पद है। ये समस्त पद का पहला जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद मीन्स पहला वाला शब्द क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। जैसे आपके है यथाशक्ति, क्या है, यथाशक्ति, ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्व पद। पूर्व पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, ठीक है। तथा वही प्रधान भी हो, वही क्या होना चाहिए, प्रधान भी हो, और समस्त पद भी अव्यय का काम करे, वह अव्यय विभाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, जैसे आजीवन तो जीवन भर, आजन्म आ हो गया आपका क्या हो गया, अव्यय हो गया, ठीक है, जन्म हो गया शब्द, तो जन्म से लेकर। उसके बाद है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में दूसरा पद उत्तर प्रधान हो, कौन सा पद होना चाहिए, दूसरा पद। जैसे आपके देखो ये दे रखा है ग्राम गद, ठीक है, अब ये वाला जो है ये तो पूर्व पद हो गया और ये गत है जो उत्तर पद हो गया। इसमें क्या कहा कि जिस समास में दूसरा पद क्या होना चाहिए, उत्तर पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, मतलब ये वाला पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास होता है। इसमें समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप भी हो जाता है, जैसे ग्राम गत मतलब ग्राम को गत, कम तत्पुरुष समास, रेखांकित, ठीक है, रेखा से अंकित विग्रह हो गया करण तत्पुरुष समास। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल तो किसका हो गया, ये संबंध हो गया। वनवास, तो वन में वास, तो ये हो गया अधिकरण। अब इसमें चिन्ह आ गए, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो से कौन सा हो गया, कारक हो गया कर्ता ने कर्म को, करण से, ठीक है। अब पथ से भ्रष्ट मतलब रास्ते से क्या हो रहा है, वो भटक रहा है तो अलग हो रहा है, तो अलग होने के योग में कौन सा हो गया, इसमें आपादान कारक हो गया। जैसे है रेखा से अंकित, अब देखो
रेखा अंकित का हो गया, रेखा से अंकित वो करता नहीं, कर्म को करण से, तो से में कौन सा कारक हो गया, करण तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, इसमें बोला है कि कारक के समस्त पद बनाते समय जब पूरा पद बन जाता है, जैसे ग्राम गत रेखांकित तो समस्त पद हो गया, तो उसमें क्या हो जाता है, कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है। जब विग्रह करते हैं तो उसमें कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेखा से अंकित तो कौन सा हो गया, करण तत्पुरुष समास हो गया। जैसे घुड़सवार तो घोड़े पर सवार, तो पर कर्ता ने कर्म, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, लोगोना संबंध कारक आगे की अधिकरण में पर, तो इसमें कारक कौन सा पुरुष हो गया, तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। अब है कर्मधारय समास। इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमान और उपमेय का संबंध भी होता है। किसमें होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य और उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अब जैसे देखो नील कमल, तो नीले रंग का कमल किसका है, कमल कैसा है, नीले रंग का, तो इसमें क्या हो गया, विशेषण विशेष्य हो गया। ठीक है, कमल को क्या बता दी, इसमें नीला बता दी, विशेषता बता दी उसकी, महात्मा महान आत्मा, ये भी विशेषण विशेष्य हो गया। अब देखो मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, मतलब चंद्रमा को जो ये हमारा मुंह है, इसको उपमा किसके दे दी, चंद्र की दे दी, चंद्रमा की दे दी, तो उपमान उपमान कौन हो गया, मुख हो गया उपमान, और मतलब उसकी तुलना किससे की गई, में चंद्र हो गया, चंद्रमा से की गई ना उसकी तुलना, तो उपमेय क्या हो गया, चंद्र हो गया, तो उपमान उपमेय हो गया। इसमें विद्याधन विद्या रूपी धन, तो इसमें भी उपमान उपमेय हो गया। उसके बाद है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए, पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला पद जैसे चौमासा, तो चार मासों का समूह, तो चौमासा तो चार हो गया, चार संख्या हो गई, तो हो गया द्विगु समास। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाली आकृति, जो तीन भुजाओं वाली आकृति उसी को उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, तो ये हो गया द्विगु। तीन हो गया, तीन रत्न, तीन रत्नों का समूह, तो ये भी द्विगु हो गया। शताब्दी, ठीक है, सौ वर्षों का समूह, ठीक है, तो ये हो गया शताब्दी, तो सौ आ गया ना, सौ संख्या हो गई, तो हो गया ये द्विगु समास। अब द्वंद समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद समास होता है। कौन से, दोनों पद प्रधान होने चाहिए, पहला पद भी और बाद वाला पद भी, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होने चाहिए। और दोनों पदों में किसका चिन्ह होना चाहिए, योजक चिन्ह होना चाहिए, जो ये निशान होता है बीच का डैश का जो हमें लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह भी होना चाहिए दोनों के बीच में। जैसे एग्जांपल देखो, माता पिता, माता और पिता। अब इसमें एग्जांपल लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, बीच में क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं, माता योजक पिता, तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। जब इसका विग्रह करते हैं तो ये योजक चिन्ह किस में बदल जाता है, और में, किस में बदल जाता है, और में बदल जाता है ये। ठीक है, तो माता और पिता, जैसे अच्छा, ठीक है, वियोजक चिन्ह लगाया तो बुरा, तो अच्छा या बुरा, सुख और दुख, गंगा और यमुना, दाल और रोटी। अब है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पदों के अर्थ से अलग अलग हो। ठीक है, जिस समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पदों के अर्थ से अलग निकले, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखो दशानन, ठीक है, क्या है ये, दशानन। अब दशानन क्या हो गया, ये समस्त पद हो गया। अब इसका विग्रह करेंगे जब हो जाएगा, दस आनन, मतलब दस मुंह है जिसके, अर्थात रावण, मतलब अलग अलग अर्थ हो गए दोनों के, कि दस मुंह है जिसके, अर्थात रावण, दस मुंह किसके थे, रावण के, तो हो गए चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन है, विष्णु। तो दोनों का क्या हो, दोनों पदों के अर्थ अलग निकले, तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। अब देखो कुछ बातें ध्यान रखनी होगी कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में कुछ समास में अंतर भी होता है। अब देखो कर्मधारय में होता है कि कुछ सामासिक पद ऐसे होते हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, मगर कर्मधारय में था कि विशेषण विशेष उपमान और उपमेय होता है। ठीक है, और बहुव्रीहि में क्या होता है कि दोनों पदों के अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसमें दोनों में क्या होता है, दोनों में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ही पाए जाते हैं। इनके अंतर के समझने के लिए इनका विग्रह ध्यान से
देना होगा। जैसे कम धारे समास में विशेषण विशेष्य तथा उपमान और उपमेय का भाव होता है, जबकि बहुव्रीहि में अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो उसमें बहुव्रीहि से जैसे कमल नयन, कमल क्या हो गया, उपमान हो गया, और नयन हो गया उपमेय। तो इसमें कौन सा हो गया, कम धारे हो गया। जैसे पीताम्बर, पीले वस्त्र है जिसके, तो वो कौन है, कृष्ण है, मतलब इसमें दूसरे आदमी को प्रधान, दूसरा हो गया ना प्रधान, तो इसमें हो गया बहुव्रीहि समास। थैंक यू।